अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो लोग खरगोश पालन कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि खरगोश के न्यूबॉर्न बेबी को मतलब छोटे छोटे बच्चे को कैसे देखभाल करना चाहिए। क्योंकि अगर आप उन छोटे छोटे बच्चे का अच्छी तरह देखभाल नहीं करेंगे तो उनका जो मोर्टेलिटी है वो ज़्यादा हो सकता है, मतलब आपके खरगोश के बच्चे मर सकता है वो भी अच्छी तरह देखभाल नहीं करने की वजह से। तो इस वीडियो में आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करूँगा, अगर आप उन टिप्स को फॉलो करेंगे तो आपका जो रैबिट का न्यूबॉर्न बेबी है वो अच्छा रहेगा, हेल्थी रहेगा और मरने से बच जाएगा। तो इसलिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, मतलब हमारे चैनल की वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम रैबिट्स रिलेटेड वीडियो ही बनाते हैं। तो बिना किसी देर के चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको जो मादा खरगोश प्रेग्नेंट है वो बच्चे देने से 4 या 5 दिन पहले आपको एक डिलीवरी बॉक्स बनाकर देना जरूरी है, ताकि वहाँ पर बच्चे को जन्म दे सके। अगर आप रैबिट को पिंजरे में रखते हैं तो पिंजरे के कोने में डिलीवरी बॉक्स को रखिए। मादा की डिलीवरी से पहले डिलीवरी बॉक्स पर आप थोड़ा रुई मतलब कॉटन कपड़े रख सकते हैं, जो बच्चे को ठंड से बचाएंगे। दोस्तों न्यूबॉर्न बेबीज को आप सोने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि इससे मादा खरगोश नाराज हो जाते हैं और अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाते हैं। जो मादा खरगोश पहली बार बच्चे को जन्म देता है वो डिलीवरी बॉक्स के अंदर बच्चे को जन्म नहीं भी दे सकता है, उस वक्त आपको बच्चे को उठाकर डिलीवरी बॉक्स के अंदर रखना है। क्योंकि दोस्तों वो मादा खरगोश अपने बच्चे को दूध भी नहीं पिलाएंगे। दोस्तों अगर कोई मादा खरगोश अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाती है तो उस वक्त आपको कैसे बच्चे को दूध पिलाना चाहिए, अगर आप वो नहीं जानते हैं तो ऊपर आई बटन पर आपको एक वीडियो की लिंक मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वो आप देख सकते हैं। दोस्तों लास्ट में जो टिप्स है वो है कि खरगोश के छोटे छोटे बच्चे को कभी भी ज़्यादा ठंड और ज़्यादा गर्मी नहीं लगना चाहिए, इससे बच्चे का मौत भी हो सकता है। दोस्तों आज के लिए इतने ही, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, खुदा हाफिज़।